A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 28th January. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is A Wrong Turn. A Wrong Turn. देखें, a wrong turn का meaning हो गया किसी गलत direction में चले जाना, move कर जाना. On Republic Day violence, जैसा कि हम सभी ने देखा Republic Day के दिन 26 जनवरी के दिन हमने देखा कि जो दिल्ली पुलिस थी और जो प्रोटेस्टर थे, जो फार्मर्स थे, उनके बीच में वॉयलेंस हुआ. उनके बीच में हमने टसल देखने को मिला जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वॉयलेंस देखने को मिला हमें. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का हम एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट इन डिटेल. देखें, द क्योस, क्योस का मीनिंग हो गया डिसऑर्डर, ठीक है, मिसमैनेज्ड. माइंडलेस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं विदाउट यूजिंग माइंड. वॉयलेंस का मतलब हो गया अत्याचार. अनलीज्ड, अनलीज्ड का मतलब हो गया रिलीज होना. ऑन द नेशनल कैपिटल बाय अ सेक्शन ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर ऑन रिपब्लिक डे. तो कहीं ना कहीं रिपब्लिक डे के दिन हमें क्या देखने को मिला, वॉयलेंस देखने को मिला. कहां पर? दिल्ली के अंदर, जो कि वर अबहोरेंट. अबहोरेंट का जो मीनिंग होता है डेस्पिकेबल होता है, जिसका मतलब घिनौना है. मतलब इस तरह का जो वॉयलेंस हमें देखने को मिला, टसल हमें देखने को मिला पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही घिनौना काम था. इट शुड बी क्रिटिसाइज्ड. इट इज पॉसिबल. पॉसिबल का मीनिंग हो गया प्रोबेबल, संभवत है. द एजेंट्स प्रोवेक्टर्स, मतलब एजेंट्स प्रोवेक्टर्स का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इंस्टिगेटर, जो उकसाने वाले थे, ठीक है. तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भड़काने वाले या इस एजिटेशन को भड़काने वाले इनफिल्टर्ड. इनफिल्टर्ड का मतलब है इंट्रूजन करना, घुसपैठ करना. द फार्मर्स मार्च, कहीं ना कहीं जो इस मुद्दे को भड़काने वाले, जो प्रोवोकेटर्स थे, जो भड़काने वाले थे, इंस्टिगेटर थे, वो इसके अंदर इंट्रूजन कर गए, इनफिल्टर्ड कर गए, यानी इसके अंदर घुसपैठ किया उन्होंने. बट दैट डज नॉट अब्जॉल्व द लीडर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि जो प्रोवेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, इसमें इंट्रूजन किया और इस वजह से वायलेंस हो गया. तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स के लीडर्स थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी को क्या उनको ये जो प्रोटेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से, एक डिसेंट तरीके से करना चाहिए था. इट डज नॉट अब्सोल्व. अब्सोल्व का मीनिंग हो गया फ्री. तो इससे हम मतलब ये अगर हम ये पूरा का पूरा ब्लेम प्रोवेक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है. लीडर्स की, जो लीडर्स थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि वो इस प्रोटेस्ट को प्रॉपर तरीके से, जेंटल और डिसेंट तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते. द चांसेस ऑफ फटीग्ड एजिटेटर. फटीग्ड का मतलब होता है थकान, टायर्ड. एजिटेटर प्रोटेस्टर. ब्रेकिंग लूज. ब्रेकिंग लूज का मीनिंग हो गया ब्रेस्ट आउट, फट पड़ना, यानी फूट पड़ना. वर हाई एज वर द पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट. वेस्टेड का इनहेरेंट, निहित होना, शामिल होना. ट्रिगर का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इंस्टिगेट, उकसाना, वॉयलेंस. अब हो क्या रहा था, मोर देन 60 डेज हो गए हैं इस प्रोटेस्ट को चलते हुए. तो जो जितने भी एजिटेटर्स थे वो बहुत ज्यादा फटीग थे, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से ब्रेस्ट आउट, मतलब उनका जो गुस्सा फूट पड़ा. और डेफिनेटली सही बात है, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर होगा उनका जो इंटरेस्ट था उसमें निहित था. वो इंटरेस्ट क्या था, कहीं ना कहीं वो जो थ्री फार्म जो एक्ट्स है उनको क्या करना चाहते हैं, रिपील करना चाहते हैं. लेकिन 60 डेज से ज्यादा का टाइम हो गया है, बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिला उनको. तो डेफिनेटली उनका जो गुस्सा वो फूट पड़ा. एंड ट्रिगिंग, ट्रिगिंग मतलब हो गया कहीं ना कहीं इंस्टिगेटिंग, उकसाना, वॉयलेंस. और इसकी वजह से वॉयलेंस हो गया. द लीडर्स ऑफ द एजिटेशन शुड हैव टेकन. तो कहीं ना कहीं जो जो लीडर्स थे एजिटेशन के, फार्मर्स ग्रुप के जो लीडर्स थे, उनको इस बात को ध्यान में लेना चाहिए था. नॉट शुड हैव टेकन टू नॉट ऑफ द डाइवर्जन इन द रैंक. डाइवर्जन इन द रैंक की अगर मैं बात करूँ, डाइवर्जन का मतलब डिफरेंस. इन द रैंक मतलब ग्रुप की मैं बात कर सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स ग्रुप था उनमें भी क्या था, डिफरेंसेस थे, ओपिनियन डिफरेंसेस थे. एंड द रिजेक्शन बाय द सर्टेन रेलकिट्रेंट. रेलकिट्रेंट का मतलब हो गया डेफिएंट, डिसओबे करने वाले, मतलब किसी बात को या रूल एंड रेगुलेशन को ना मानने वाले, डेफिएंट. ग्रुप्स ऑफ रूट्स
ऑफ फॉर द मार्च दे हैड अग्रीड विद द पुलिस. तो कहीं ना कहीं मतलब क्या हो गया, जो लीडर्स थे एजिटेशन को, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि उनके ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाइवर्जन का मतलब हो गया डिफरेंसेस हैं, उनके ओपिनियन के डिफरेंसेस हैं. एंड रिजेक्शन बाय द सर्टेन रिलिक्टेंट, देखो रिलिक्टेंट का मतलब हो गया डेफिएंट. और मतलब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक प्रॉपर जो मार्च करने के लिए एक रोड एक रूट डिसाइड किया गया था, उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया. ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की बनती थी, ये लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको प्रोटेस्टर्स को क्या करना चाहिए था, गाइड करना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था, तो इस वायलेंस से बचा जा सकता था, राइट. चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट करते हैं हम, अब देखते हैं ध्यान से. देखें द केओस एंड माइंडलेस, यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू हो गया, ये वन हो गया सब्जेक्ट टू हो गया, तो हमने वर्ब यहाँ पे यूज किए, इसका जो मेन वर्ब है यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, फटीग्ड एजिटेटर, एजिटेटर आपका नाउन हो गया और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया. पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो वो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल होती है. अब यहाँ पे वॉयलेंस, वॉयलेंस भी नाउन हो गया आपका, और ट्रिगिंग मतलब हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जब आपका वी वन प्लस आई एन जी एक एडजेक्टिव का काम करता है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो ट्रिगिंग मतलब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है. शुड हैव टेकन, देखें जब आप प्रेजेंट में कोई एडवाइस देते हैं तो शुड प्लस वी वन से देते हैं हम. ठीक है, ये एडवाइस देते हैं मतलब जैसे मैं बोलता हूँ आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी. लेकिन पास्ट की जब कोई एडवाइस दोगे, पास्ट का कोई एक्शन की बात करें कि ऐसा होना चाहिए था, तो वहां पर हम फॉलो करते हैं शुड हैव प्लस वी थ्री, शुड हैव प्लस वी थ्री. तो इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट को बताने के लिए बोला है, देखो शुड हैव टेकन यानी इस बात को नोट करना चाहिए था. अब ये हैड अग्रीड जो हो गया ये पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट हो गया आपका. पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज कर लेते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट है फर्स्ट स्लाइड के. अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में. ट्रू, ये बात सच है, नो पॉपुलर मोबिलाइजेशन, देखो मोबिलाइजेशन का मतलब गैदरिंग करना, कैन बी हेल्ड हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब हो गया कैप्टिव, बंदी बनाना, टू थ्रेट ऑफ द वायलेंट डेविएशन. देखें बाय हैंडफुल, हैंडफुल मतलब कुछ कुछ एक लोग की बात हम कर रहे हैं, कि कुछ एक लोग जो डरा धमका कर पूरी की पूरी जो मोबिलाइजेशन है उसको हॉस्टेज नहीं बना सकते हैं, पूरी की पूरी गैदरिंग को हॉस्टेज नहीं बना सकते, बंदी नहीं बना सकते. कहने का मतलब कुछ एक लोग जो है वो पूरे के पूरे मोबिलाइजेशन को मूव नहीं कर सकते हैं, हॉस्टेज नहीं बना सकते हैं डरा धमका कर. बट देर इज जजमेंट टू बी मेड एट ईस्टर्न, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है इसके हर एक टर्न के ऊपर हर एक मोड़ पर जजमेंट लेने की जरूरत है, कहीं ना कहीं दिमाग से इस बात को सोचने की जरूरत है. द लीडरशिप इटसेल्फ एंड एसोसिएशन ऑफ डिस्पैरिट, देखो डिस्पैरिट का मीनिंग हुआ अनइक्वल, लेकिन ये जो अभी एसोसिएशन बना हुआ है एक ग्रुप बना हुआ है फार्मर्स का, वो इंडिविजुअल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो अनइक्वल है. कहने का मतलब जो अभी लीडरशिप की अगर बात करते हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स हैं उनका जो एसोसिएशन बना हुआ है वो अनइक्वल है, उसमें इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अनइक्वलिटी है, वो प्रॉपर नहीं है. शुड हैव बीन मोर रियलिस्टिक, उसको क्या होना चाहिए था, मोर रियलिस्टिक होना चाहिए था, रियल होना चाहिए था. अबाउट इट्स कैपेसिटी टू मैनेज सच गैदरिंग, मतलब उसको अपनी कैपेसिटी के लिए रियल होना चाहिए था और उसको इस बात को आना चाहिए था कि कैसे उस गैदरिंग को मैनेज करते हैं. लोग इकट्ठा तो हो गए लेकिन जो फार्मर्स जो लीडर्स थे उन्होंने उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी, उन्होंने उसको प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया कि किस तरीके से हमें प्रोटेस्ट को मार्च को आगे लेकर चलना है, और वो इतनी भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए. इन द एंड आखिर हुआ क्या, अनरूली, अनरूली का मतलब अनकंट्रोल्ड है, वांछनीय कह सकते हैं हम. एलिमेंट टुक ओवर द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, और कहीं ना कहीं अनवांटेड जो एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली की सारी स्ट्रीट्स को घेर लिया. दे ब्रॉक बैरिकेड्स, उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया. थ्रेस्ट का मतलब बीट करना, पीटना. एंड ट्राई टू मोर डाउन, मोर डाउन का मतलब हो गया नॉक डाउन, गिराने की कोशिश की, किसको, पुलिस पर्सनल, उनको पीटने की कोशिश की, उनको नीचे गिराने की कोशिश की. द पुलिस रिजॉर्टेड, रिजॉर्टेड का मतलब सहारा लेना, सपोर्ट, टू लाठी चार्ज, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वायलेंस को प्रोटेक्ट, इस वायलेंस से बचने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए फिर लाठी चार्ज किया गया पुलिस ने. एंड यूज टीयर गैस, और टीयर गैस मतलब जो बॉम्ब है वो यूज किए गए. बट गिवन
बट गिवन, गिवन का मतलब था कंसिडर करना, द सर्कमस्टेंसेज, अगर हम इन हालातों को कंसिडर करते हैं, शोड रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब कहीं ना कहीं कंपोज्ड, कंट्रोल, लेकिन फिर भी दिल्ली जो पुलिस है वो रिस्ट्रेंड रही, कंपोज रही, कंट्रोल रखा उन्होंने। मोर देन 300 पर्सनल्स वर इंजर्ड, 300 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी थे वो इंजर्ड हो गए, एंड एटलीस्ट 40 ऑफ देम सीरियसली, और 40 तो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। All this and the march itself was avoidable. और ये सारा का सारा जो वायलेंस था और ये मार्च था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। चलो इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कैन बी हेल्ड, ये हो गया आपका पैसिव, देखिए कैन हो गया मॉडल वर्ब आपका, और उसके बाद आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया है, तो ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। टू बी मेड, ये आपका, ये भी पैसिव फॉर्म हो गया। कैसे, देखो टू बी मेड, ये इन्फिनिटिव के अंदर आपने पैसिव डाला है, टू प्लस वी वन होता है वैसे इन्फिनिटिव, क्योंकि यहाँ पे पैसिव आ गया तो बी प्लस थर्ड फॉर्म भी आपने यूज कर लिया, तो ये इन्फिनिटिव पैसिव बन गया आपका। एसोसिएशन का जो साउंड है वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज कर लिया। और फिर वही बात आ गई, शुड हैव बीन, मतलब ऐसा होना चाहिए था, राइट, शुड हैव बीन, तो पास्ट का जब आप बताते हैं शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो हैव की, हैव के बाद बीन की थर्ड, बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दिया हमने, शुड हैव बीन हो गया। टू मोर, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, टू प्लस वी वन, गिवन हो गया कंसिडर, ठीक है, किसी चीज को कंसिडर करना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम, द दिल्ली पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट। अब दिल्ली पुलिस जो है उसको इस केस में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, एंड होल्ड टू अकाउंट, होल्ड टू अकाउंट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं छानबीन करके उन लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया जा सके, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस, और इस पर्टिकुलर वायलेंस के लिए चाहे वो इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल हो, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, और दिल्ली पुलिस के लिए इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। फार्मर्स लीडर्स हैव अनएनविएबल, अनएनविएबल का मतलब हो गया हार्ड टू डील, डिफिकल्ट टू डील, राइट, तो फार्मर्स के लिए एक ये ऐसी सिचुएशन होगी जो बड़ी डिफिकल्ट होगी डील करना, टास्क ऑफ कॉपरेटिंग, सहयोग करना विद द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहेगा फार्मर्स के लिए, फार्मर्स लीडर्स के लिए, कि उनको पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, कॉपरेशन करना पड़ेगा। फॉल्स फ्रेंड्स, झूठे दोस्त, एंड रियल एनिमीज, और असली दुश्मन ऑफ द एजिटेटर्स हैव पेंटेड देम विद कम्युनल ब्रश, तो जो अनवांटेड लोग थे, जो अनरियली जो लोग थे, जिनका अनकंट्रोल्ड हम बोल रहे हैं, अनवांटेड जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को कैसे रंग से रंगना चाहा, कम्युनल, कम्युनल मतलब कहीं ना कहीं उसको, मतलब कहीं ना कहीं उसको रिलीजियस बेस्ड बनाना चाहा, कि ये हिंदू मुस्लिम या सिख और हिंदू या इस तरीके से धर्म का उसको रूप देने की कोशिश की। ब्रिंगिंग कल्प्रीट, ब्रिंगिंग द कल्प्रीट टू बुक, देखिए ब्रिंगिंग समवन टू बुक का मतलब हो गया टू पनिश, किसी को पनिश करना। अब मतलब जो कल्प्रीट है, जो दोष जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया वो कल्प्रीट है, इज इसेंशियल, उनका पनिश करना इसेंशियल है, जरूरी है, नॉट ओनली टू सेल्वेज, सेल्वेज का मतलब हो गया प्रिवेंट बींग रियूम्ड या सेव करना, मतलब अब जो एजिटेशन का जो रेपुटेशन है ना उसको तो बचाना ही है, उसको तो सैलवेज करना ही है। ऑफ एन एजिटेशन दैट हैड रिमेन लार्जली पीसफुल फॉर नियरली 2 months, क्योंकि अभी तक जो एजिटेशन चला है वो 2 महीने तक बिल्कुल पीसफुल तरीके से चला है, तो उन कल्प्रिट्स को पनिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजिटेशन की जो रेपुटेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बचाना होगा, अदरवाइज ये गलत डायरेक्शन में चला गया। अभी तक प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल तरीके से चला था और उसके जो मर्यादा है, उसका जो रेपुटेशन है, उसको सेव करना होगा। बट ऑल्सो टू निप इन द बर्ड, डेंजरस कम्युनल स्लैंट, स्लैंट का मतलब दृष्टिकोण कह सकते हो, आउटलुक, और साथ के साथ मतलब निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड का मतलब होता है हॉल्ट समथिंग एट अर्ली स्टेज, किसी चीज को स्टार्टिंग में ही दबा देना, मतलब एक तरफ से तो जो जो प्रोटेस्ट बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही पीसफुल तरीके से 2 महीने से चला है, उसकी रेपुटेशन को बचाना है, साथ के साथ ये जो डेंजरस कम्युनल स्लेंट, मतलब अभी कहीं ना कहीं ये जो एक कम्युनल स्टेंट बन गया है, कहीं ना कहीं एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है कि ये जो कम्युनल दृष्टिकोण बन रहा है, धर्म को लेकर दृष्टिकोण बनाया जा रहा है, इसको भी खत्म करने की जरूरत है, बिफोर इट स्लिप्स आउट ऑफ कंट्रोल, इससे पहले कि ये हाथों से निकल जाए, स्लिप आउट मतलब स्निक अवे, कहीं
कहीं ना कहीं ये जो अनकंट्रोल्ड हो जाए, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें स्टार्टिंग में ही दबाना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा, खत्म करना होगा। तो चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। देखिए ध्यान से, मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो कंपल्शन को शो करती है। टू अकाउंट, यहां पर इन्फिनिटिव केस हो गया, टू प्लस वी वन आपका। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद हम जीरेंड यूज करते हैं, जीरेंड वी वन प्लस आई एन जी होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हैव पेंटेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो वी थ्री हमने लगा दिया क्योंकि एजिटेटर प्लूरल थे तो हमने हैव ले लिया। ब्रिंगिंग, फिर ये जीरेंड हो गया आपका, जो कि नाउन की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ टू सेल्वेज, सेल्वेज यहाँ पर टू प्लस वी वन यानी इन्फिनिटिव केस हो गया। एंड एजिटेशन, एजिटेशन का साउंड अ से है तो इसलिए हमने यहाँ पर वोवल साउंड एन यूज कर लिया। एंड हैड रिमेन, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। साथ के साथ हमने यहाँ पर एक ग्रामर रूल और यूज किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी हमने साथ के साथ यहाँ पे यूज किया। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर दिया होगा, वन सेकेंड ओनली, विद पुलिस ब्रिंग, ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये रूल भी दिया है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। द सेंटर हैज सेड, सेंटर ने ऐसा बोला है, इट वुड कंटिन्यू टू इंगेज द प्रोटेस्टर्स इन नेगोशिएशन। इंगेज मतलब शामिल करना, नेगोशिएशन का मतलब बातचीत करना। तो सेंटर ने इस बात को कहा है कि वो आगे भी क्या करते रहेंगे, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके साथ बातचीत का दौर जारी रखेंगे। द ऑफर ऑफ गवर्नमेंट टू कीप इन अबियंस, अबियंस का मतलब अ लिटिल पॉज, अ शॉर्ट पॉज, फॉर 18 मंथ्स। अभी गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था ऑल द फार्मर्स, प्रोटेस्टर्स को एक प्रपोजल दिया था कि वो 18 महीने तक, आगे आने वाले 18 महीने तक जो ये फार्म एक्ट्स हैं, थ्री फार्म एक्ट्स हैं, इनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इनको पोस्टपोन करें 18 महीने के लिए। द थ्री कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉस, वही कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब जिसपे झगड़ा हो रहा है पूरा का पूरा, दैट आर एट द हार्ट ऑफ द करंट फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब भिड़ंत कह सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं अब ये जो भिड़ंत हो रही है सरकार और जो फार्मर्स के बीच में, इसके मुख्य जड़ कौन सी है? ऑब्वियसली बात है, कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज है। ये जो तीन कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज है, यही इसकी वजह से वजह रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या बोला है, लीडर्स को बोला है, फार्मर्स प्रोटेस्टर्स को, सभी को बोला है कि हम 18 महीने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फार्म एक्ट को क्या कर सकते हैं, हम अभी पोस्टपोन कर सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर्स टू सीक ए नेगोशिएटिव स्टेटमेंट। अब उनके पास एक मतलब एक कहीं ना कहीं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर अगर हम इन लॉज को 18 महीने के लिए एक बार साइडलाइन करते या पोस्टपोन कर दे, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है क्या, नेगोशिएटेड सेटलमेंट। नेगोशिएटेड का मतलब बातचीत कर कर किसी चीज का हल निकालना, सेटलमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस मतलब ये टसल चल रहा है, कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई, फेस ऑफ की जो स्थिति बनी है, इसको नेगोशिएट करके, डिस्कस करके हम इसको खत्म कर सकते हैं। अभी 18 महीने का गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोटेस्टर्स को और लीडर्स को एक प्रपोजल दिया है कि हम 18 महीने तक इस फॉर्म लॉ को अभी हम इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। द एजिटेटर्स वॉन्ट लॉज टू गो बैक स्टॉक एंड बैरल, गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। देखो ये एक इडियम बोल सकते हैं हम इसको, लॉक स्टॉक बैरल, जिसका मतलब होता है होल थिंग, सारा का सारा। द एजिटेटर वॉन्ट्स, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको क्या चाहिए, द होल थिंग, वो पूरा का पूरा चाहते हैं। मतलब अभी वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, ना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनको बोल उन्होंने कहा है कि ये जो आपके थ्री कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज हैं, इनको खत्म करो, पूरा का पूरा खत्म करो। बट देयर मैक्सिमिस्ट, देखो मैक्सिमिलिस्ट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक्सेसिव। उनकी जी जो एक एक्सेसिव अप्रोच है प्रोटेस्टर्स की, इज अनहेल्पफुल, कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने 18 महीने का टाइम उनको दिया है, लेकिन वो पूरा का पूरा, द होल थिंग, दे वॉन्ट टू बी रिपील, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सारी के सारी चीजें खत्म हो जाए। तो इस वजह से जो प्रोटेस्टर है कहीं ना कहीं अपना एक अनहेल्पफुल, मतलब कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के साथ हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा अप्रोच दिखा रहे हैं। दे मस्ट डिसकंटिन्यू द प्रोटेस्ट, कहीं ना कहीं उसको इस प्रोटेस्ट को अब खत्म करना चाहिए, डिसकंटिन्यू करना चाहिए। फॉर द नाउ डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब हो गया डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब हो गया तितर बितर हो जाना, यानी कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए अभी उनको क्या कर देना चाहिए, इस प्रोटेस्ट को खत्म कर देना चाहिए। वाइल रिजर्विंग
ऑप्शन फॉर रिस्टार्टिंग इट लेटर, और हम इसको रिजर्व कर सकते हैं, यानी बाद में हम इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं. दे शुड कंसिडर ऑप्शन शॉर्ट. देखो शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम. दे शुड कंसिडर ऑप्शन ऑफ अ कंप्लीट रिपील ऑफ द लॉज. देखिए कहीं ना कहीं उसको इस बात को मतलब कंसिडर करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम कि मतलब अगर हम बात करते हैं कि रिपील ऑफ लॉज की कंप्लीटली इन जो लॉज को रिपील कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, इसके अलावा उनको इस बात को कंसिडर करना चाहिए. द सेंटर मस्ट कंसिडर मोर कंसेशन. कंसेशन का मतलब छूट, और सेंटर को चाहिए कि उनको जो फार्मर्स उनको और ज्यादा छूट दी जाए, इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द लॉज. और कहीं ना कहीं वो अभी सस्पेंड कर सकते हैं लॉज को कुछ टाइम के लिए, अनटिल अ ब्रॉडर अग्रीमेंट कैन बी अराइव्ड एट. जब तक कि दोनों पार्टीज के बीच में, गवर्नमेंट और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो जाए, एक समझौता हो जाए, एक प्रॉपर चैनल बन जाए, एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकल जाए, तो तब तक क्या करना चाहिए फार्मर्स को, तो क्या करना चाहिए एक बार के लिए इस एजिटेशन को रोक देना चाहिए. और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फार्मर्स को क्या करना चाहिए, कंसेशन देनी चाहिए, और दोनों को मिल बैठ के क्या करना चाहिए, एक ब्रॉडर एग्रीमेंट करना चाहिए, एक समझौता करना चाहिए, जिससे कि इस प्रोटेस्ट को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाए. चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. हैज सेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. इसके बाद हमने V3 यूज कर लिया, सेंटर सिंगुलर है इसलिए हमने हैज यूज कर लिया था. टू इंगेज, ये आपका प्रेजेंट, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया. इन्फिनिटिव में 2+V1 होता आपका, तो ये 2 हो गया, ये V1 हो गया. चलो ठीक है. टू कीप, ये भी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया. नेगोशिएटेड स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट आपका नाउन हो गया, नेगोशिएटेड आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की जब थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करती है तो वो आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल. वाइल एक प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद हमने जीरो यूज कर लिया रिजर्विंग. ठीक है. Can be arrived, ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया, यानी कैन के बाद हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ये हमारा हो गया. और अनटिल, देखिए अनटिल आपकी ये एक कंजेक्शन है. ठीक है. और अनटिल के बाद वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट के साथ यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनटिल अपने आप में नेगेटिव कंजेक्शन है. चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं. इट मस्ट टेक मोर एफर्ट्स टू अलाय. अब इट किसके लिए यूज किया गया, गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया. ठीक है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और भी ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे टू अलाय. अलाय का मीनिंग और लेसन, कम करना द फियर्स ऑफ दोज मोस्ट अफेक्टेड बाई दिस रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो लोग जो इस इन लॉज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जिनका इनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनकी वरीज को कहीं ना कहीं कम करना होगा, उनके फियर को, उनके डर को कहीं ना कहीं कम करना होगा. द सेंटर्स इम्पेरियस. इम्पेरियस का मतलब हो गया हॉटी, घमंडी, प्राउडी. रिफ्यूजल, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी अपना एक ऐसा रवैया दिखाया जो कि प्राउड से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ है. क्यों? टू रिफ्यूजल टू एंगेज, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको इंक्लूड नहीं किया, उसको इंगेज नहीं किया. स्टेट गवर्नमेंट है उनको इंक्लूड नहीं किया ऑन क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. और तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी अपने एक ऐसा घमंडी रवैया दिखाया है, क्योंकि उसने पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इन्वॉल्व नहीं किया, इंगेज नहीं किया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट है उनको इंक्लूड किया ऑन क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म. मतलब इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर उनको क्या चाहिए था गवर्नमेंट को, उनको पॉलिटिकल पार्टीज और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी क्या करना चाहिए था, उनको भी शामिल करना चाहिए था. हैज कम बैक टू हॉन्ट इट. और जो मतलब ये जो सरकार ने घमंडी सा रवैया दिखाया है इसकी वजह से हुआ क्या है, हैज कम डाउन, हैज कम बैक टू हॉन्ट इट. देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं. कम बैक टू हॉन्ट इट का मतलब होता है समथिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन फ्यूचर. और इस तरह का जो एक एटीट्यूड, इम्पेरियस रिफ्यूजल जो एक एटीट्यूड मतलब सरकार ने दिखाया, इसने क्या कर दिया है, हैज कम बैक टू हॉन्ट इट. कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, प्रॉब्लम को और भी ज्यादा क्रिएट कर दिया है, और इसका इफेक्ट हमें फ्यूचर में भी दिखाई देने को मिलेगा. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना एक हॉटी एटीट्यूड दिखाया है, ना तो उसने पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्सेंसस ली, उनके साथ समझो, उनके साथ कोई बातचीत की, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट्स को उसने इन्वॉल्व किया. द रेजुलेशन टू दिस इम्पास. देखिए इम्पास का जो मीनिंग होता है डेडलॉक, ये गतिरोध का जो सिचुएशन बना हुआ है, फेस ऑफ का जो सिचुएशन बना हुआ है. रेजुलेशन का मतलब है फर्मनेस, दृढ़ता के साथ. टू कैन कम ओनली बाय इन्वॉल्विंग देम ऑल. और अगर हमें इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट का
अगर हमें कोई सॉल्यूशन निकालना है तो हमें रेजुलेट होना पड़ेगा, फर्म होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी प्लस जो फार्मर्स लीडर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक होना पड़ेगा, वन होना पड़ेगा यानी एक होना पड़ेगा, और सभी को शामिल करना होगा गवर्नमेंट को, तभी इस इम्पास जो एक गतिरोध की सिचुएशन बनी हुई है इसको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सकता है एक प्रॉपर तरीके से, हम इसको इसका हम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट स्टेट्स जितनी भी हैं उनको, और साथ के साथ जो लीडर्स हैं इन सभी को मिलाकर एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालना होगा, और ये सभी तभी पॉसिबल है जब हम एक एक साथ होकर, रेजुलेट होकर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, टू अलाई यहाँ पर हमने जीरेंड यूज किया, टू प्लस वी वन हमने यूज कर लिया, टू एंगेज फिर हमने जीरेंड, सॉरी यहाँ पर भी हमने इन्फिनिटिव यूज किया है, यहाँ पर भी हमने इन्फिनिटिव यूज किया, टू प्लस वी वन यूज किया है, हैज कम, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज प्लस वी थ्री हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट कर लिया यहाँ पर। चलो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कुछ कॉमन एरर्स इस पर्टिकुलर एडिटोरियल पेज के डिस्कस कर लेते हैं। द लीडर्स ऑफ द एजिटेशन शुड हैव टेक नॉट ऑफ द डाइवर्जन इन द रैंक। देखें अभी मैंने आपको बताया था जब आप प्रेजेंट एडवाइस की बात करते हैं तो शुड प्लस वी वन यूज कर लेते हैं ना, शुड प्लस वी वन, ठीक है। लेकिन पास्ट की बात करते हैं तो वहां पर शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो शुड आ गया, हैव भी आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने टेक यूज किया है, होना क्या चाहिए था, टेकन होना चाहिए था, ठीक है। फार्मर्स लीडर्स हैव द अन एनियबल टास्क ऑफ कॉपरेट विद द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन, इन द इन्वेस्टिगेशन। प्रेपोजिशन के बाद आप जिरेन यूज करते हैं तो यहाँ पर कॉपरेट नहीं आना चाहिए था बल्कि कॉपरेटिंग आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, कॉपरेटिंग होना चाहिए था। थर्ड पे अगर मैं बात करता हूँ, देखें द सेंटर मस्ट कंसिडर मोर कंसेशंस, कंसेशन का मतलब छूट होता है, इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ थ्री लॉज अंटिल अ ब्रॉडर एग्रीमेंट कांट बी अराइव्ड एट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अंटिल है वो एक कंजेक्शन है जो कि नेगेटिव होता है, उसके बाद वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे कांट लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए, कैन भी होना चाहिए था, कैन, ओके। सेंटेंस नंबर फोर पे चलते हैं। इट मस्ट मेक मोर एफर्ट्स टू अलाइट द फियर्स ऑफ दोज अफेक्टेड बाय दीज रिफॉर्म्स। तो जब आप इन्फिनिटिव की बात करते हैं तो टू प्लस वी वन यूज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, तो होना क्या चाहिए था, अलाई होना चाहिए था, यानी फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए अब इस कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो इसमें पर्टिकुलर एडिटोरियल पेज में यूज हुए हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उनका रिवीजन करते हैं। देखो अबहॉरेंट, अबहॉरेंट का मीनिंग होता है वैसे घिनौना, घिनौना, राइट। इसका जो होता है इसका मीनिंग होता है डेस्पिकेबल, क्या होता है, डेस्पिकेबल, जिसका मतलब होता है घिनौना। अनरूली, अनरूली का मतलब, अनरूली का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, बेकाबू। रिकैल्किट्रेंट का मीनिंग जो होता है डेफिएंट, डिसऑबिडेंट आप जिसको बोल सकते हैं। डिस्पर्स का मीनिंग होता है डिसिपेट, मतलब तितर बितर हो जाना। इम्पेरियस का मतलब होता है हॉटी, घमंडी, ठीक है। तो इसका ये बन जाएगा, तो ये रिवीजन पार्ट था। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टुमोरो आई विल कम विद अनदर आर्टिकल। So till then, bye-bye, take care and have a nice day.